और जब चक्कर मिले भगत ऐसी सावट मित्र मित्र अभी चक्कर मिले तो फिर गूंजे। हाँ 963 से भी ज्यादा जान मार रहा है, जान बहुत लगा रहा है ट्रैक्टर कहीं ना कहीं। अच्छा क्लच बहुत कम ले रहा है, कम ले रहा, देखो और सलेंसर पे भी देख सको आप, ये देखो। नमस्कार बड़े भाइयों, राम राम जी। बड़े भाइयों आपके सामने भाई मारे मौसा जी हैं, मारे मौसा जी वाला स्वराज 960 फाइव स्टार झोटा, सरकारी झोटा चलने लग रहा भाइयों। देखो रीपर पे के एस का रीपर है इसके पीछे, ठीक जी। बाकी हमारे धालीवाल साहब जी भी सामने हैं, इनका भी सरकारी झोटा 855 यहीं खड़ा। तो भाई पूरी जानकारी करेंगे बड़े भाइयों आज। काफी भाई कह रहे कहने लगे भाई वीडियो नहीं बना रहे, भाई क्या बात होगी रीपर सीपर की। तो भाई अब रीपर की वीडियो देखो आप, ये देखो भाई कंडीशन देखो, ट्रैक्टर कितनी बढ़िया। आवाज भी सुनवाऊंगा मैं आपको और सलेंसर पे भी देख सको आप, ये देखो कोई भी धुआं धान। मौसा जी राम राम। ट्रैक्टर देखो कितना साइलेंट चल रहा भाई, बहुत ही शौकीन है भाई मारे मौसा जी। 16 के टायरों में बड़े भाई, 16 के टायरों में लांगा भी बढ़िया है आगे, ये देखो आप। केएसए का रीपर है, भूस बनाने लग रहा है, बेहतरीन भूस है भाई, बहुत टॉप क्वालिटी वाला भूस, ये देखो आप। धालीवाल साहब भी यही है, उनसे भी पूरी बातचीत करेंगे बड़े भाइयों। एक बार मुझे आप यो कमेंट करके जरूर बताइयो सबसे बढ़िया चलने वाला रीपर पे ट्रैक्टर कौन सा है। नंबर वन भाई न्यू हॉलैंड, और नंबर दो भाई जॉन डियर, और नंबर तीन भाई स्वराज, ठीक है जी। जरूर मुझे आप कमेंट करके बताइए तीनों ट्रैक्टरों में से। चलाने तो ज़्यादातर सभी ट्रैक्टर बढ़िया, लेकिन जो सबसे टॉप क्वालिटी में चलाने वाले ट्रैक्टर हैं रीपर को, वो भाई कौन से हैं आपने ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है जी। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लियो। बात रही क्लच की, अच्छा वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरे के लो में चल रहा है भाई, ये देखो बहुत बढ़िया भाई, मजे बहान दिया भाई, मजे बहान दिया, फंचा ठोक दिया। देखो मौसा जी का गुल्ला भी भाई पूरा 2.5 फुट लंबा, तगड़े वाला। तो भाई ये भाई साहब है, इनके साथ में हमारे मौसा जी के भाई जी। राम राम, क्या हाल चाल है जी। मैं कहा भूस तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ बना रहे, भूस बहुत बढ़िया है, जैसे लांड मशीन का भूस नहीं होता, हडम्बा थ्रेसर का इस तरीके का भूस है भाई। उससे भी बढ़िया पीस दे जी। हाँ उससे भी बढ़िया पीस दे। इसमें एक तो गर्दन नहीं आने की, हाँ, और इसमें ज्यादा मोटा भूस नहीं निकलना है, जैसे डंठल वगैरह हुई, बिल्कुल पीस दे, बिल्कुल 350 ब्लेड में कुछ निकल का हो। हाँ अच्छा एक चीज और है भाई जी, ट्रैक्टर पे भी फर्क नहीं बिल्कुल 960 पे। ट्रैक्टर तो जी दबता नहीं बिल्कुल भी, 1:30 बजे तक चला दिया। अच्छा किस समय से किस समय तक चलाया हो? सुबह 9 बजे से रात में 2 बजे तक लास्ट। सुबह 9 बजे चढ़ा दो इसे रीपर पे खेत में। हाँ जी। अच्छा उसके बाद रात को 9 बजे तक, 2 बजे तक रात को 2 बजे तक, मतलब सुबह 2 बजे लो 1:30-2 बजे तक। हाँ। कमाल की बात, बढ़िया चल रहा पूरा। हाँ यही नहीं चला रखा था, इसको ही चला था, कुछ दीप के 1:30 बजे तक चला था पूरा। अच्छा रात को 1:30 बजे लो। 22 ट्रॉली बनी थी एक ही बार में जुड़े हुए में, एक बार में 22 बनी थी, एक बार के में 22 ट्रॉली बनाई पूरी। हाँ एक बार जैसे मतलब सुबह 9 बजे से, अच्छा रात को 1:30 बजे तक, रात में बीच में थोड़ा सांस भी दुबाया नहीं ट्रैक्टर को? नहीं डबल ड्राइवर है, एक उतर जा दूसरा चढ़ जा, दूसरा उतर जा पहला चढ़ जा, कमाल की बात है भाई। ट्रैक्टर आती है भाई। हाँ नहीं कहने वाली बात नहीं। अच्छा ट्रैक्टर और भी कंपनियों के आपने चलते देखे होंगे रीपर पे। हाँ। अच्छा आपका भाई जी क्या कहना है, कौन सा ट्रैक्टर ज्यादातर बढ़िया चले? 960 है, इसके फैन बहुत हैं जी, तूड़ी बनवाने वाले 960 यही चला भाई साहब। आवाज रड़ाक ट्रैक्टर का, दूसरी नंबर बात जोर, और तीसरी नंबर बात सफाई तूड़ी की। तूड़ी देखो कितना बढ़िया बना रहा तूड़ा, सारे रखी तूड़ी साफ मिलेगी, बहुत बढ़िया है, कहने वाली बात नहीं भाई। मौसा जी हमारे हैं भी मेहनती पूरे, हाँ मेहनती है, मेहनत करें तगड़े वाली, बहुत बढ़िया। अपना नाम और जरा सा गांव का नाम तो बता दो आप। मेरा नाम भाई जी का, मेरा नाम अमित है। अच्छा गांव का नाम कासमपुरा। अच्छा कासमपुरा, जिला मुजफ्फरनगर हो गया अपना, बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, धन्यवाद जी। तो बड़े भाइयों देखो मैं आपको दिखाऊं एक बार चल के, है ना नजदीक से मौसा जी के पास में चल रहे हैं, कुलविंदर सिंह धालीवाल जी आने वाले हैं दूसरी ट्राली लेने के लिए गए भाई। लांगा बढ़िया है, कोई ये नहीं है कि माड़ा है, लांगा पूरा जबरदस्त वाला है,
भाई धालीवाल साहब जी का खेत लांगा क्यों नहीं तकड़ा होगा? भाई एक 16 के टायरों में ना ट्रैक्टर की थोड़ी सी जो धाक है ना वो भी तगड़ी लगे। बाकी भाई कहने वाली बात नहीं, सरकारी झोटा तो भाई सरकारी झोटा ही है। बाकी देखो इन्होंने जाली बांध रखी है, आगे तो वैसी जाली लग रही रेडिएटर के, बाकी इस पे भाई जैसे मच्छरदानी की जाली है ना वो भी बांध रखी एयर पे, ताकि जो गर्दा कुर्ता है खींचे ना हो, नहीं तो बार बार साफ करना पड़े हो, क्योंकि जिस तरीके से हवा चल रही है भाई बहुत ज़्यादा गर्दा उड़े, फिर ट्रैक्टर खींचे भाई गर्दा बहुत है ना। बाकी भाई कमाल कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया चला रहा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन वाला। बाकी अब धालीवाल साहब जी आने वाले हैं, जानकारी करेंगे थोड़ी सी उनसे। भाई धालीवाल साहब जी भी आ लिए भाई, मारे मारे जानो जिगर। वो देखो सामने कुलविंदर सिंह धालीवाल जी अपना सरकारी झोटा लेके खेत में पहुंच चुके हैं, अब यहाँ खलबली उठेगी, सबकी खाज मिटाई जाएगी। धालीवाल साहब राम राम जी, क्यों डरा रहे, ऐसे बंद कर लो सरकारी झोटे को धालीवाल साहब, क्यों कांच काटो दिलों की धड़कन है। राम राम जी धालीवाल साहब, क्या हाल चाल है जी? मगा धालीवाल साहब 960 ने तो मजे बांध दिए, आगे भी सरकारी झोटा पीछे भी सरकारी झोटा, पूरा मजा आ रहा जी पूरा। धालीवाल साहब जब सरकारी झोटे को देखे ना किसी भी इम्प्लीमेंट पे चलता हुआ तो कलेजा पाटने को हो जाएगा है जी। तो धालीवाल साहब मुझे वो बताओ, आप थोड़ी सी जानकारी दो आज धालीवाल साहब, जो सबसे बढ़िया रीपर पे ट्रैक्टर चलता है, ट्रैक्टर सारे बढ़िया, हम किसी की बुराई नहीं करते, अच्छा जो सबसे बढ़िया ट्रैक्टर धालीवाल साहब वो कौन सा चले रीपर पे? भाई 100 में से 80% स्वराज ही चल रहा है, ये नहीं अभी हम हमारे पास है इसलिए कह रहे जी। तुम यूट्यूब भी खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, फेसबुक खोल लो, सबसे ज्यादा स्वराज ही चल रहा है। 80 से भी मेरे हिसाब से 85-90% स्वराज ही है। क्यों ऐसे है ना, कल हरियाणा के मिले थे दो भाई, वो रीपर लेके जा रहे थे जोली रोड पे जी, तो उन्होंने भी यही बात करी जी। वो अपने यूट्यूबर फैन है, अच्छा जी यूट्यूबर फैमिली है अपनी, चलो जी। तो उन्होंने कल मेरी शक्ल देखी, वो कह रहे भाई कि आप धारीवाल साहब मगाई। हाँ वो दूर से देखते ही चेहरे की लाली, जो लाली मार रही ना, खुश हुए बेचारे, गले भाग के मिले, कोड़ी भरी होगी भाग के। मैंने कहा घर चलो चाय पानी पियो, बेचारे दूर से आए थे जी। तो उन्होंने भी यही बात कही, उनपे था न्यू होलैंड ट्रैक्टर था, एक स्वराज था जी धालीवाल साहब, न्यू होलैंड के पीछे उन्होंने ट्राली जोड़ रखी थी, स्वराज के पीछे रीपर जोड़ रखा था जी। तो उन्होंने भी यही बात करी, कह रहे भाई ट्रैक्टर सारे अच्छे हैं, सारे ही हैं, उनके ग्रुप में 5 ट्रैक्टर हैं, सारे स्वराज, सारे स्वराज भी है, होलैंड भी है और जॉन डियर भी है। तो उनका यही मानना था कि रीपर पे स्वराज ही ज्यादा सक्सेसफुल है जी धालीवाल साहब। अच्छा के मामले, अच्छा धालीवाल साहब दूसरे नंबर बात, मेरा एक सवाल आपसे और है, जब जैसे मान के चलो हमने नया ट्रैक्टर ले लिया या हमारे पास सेकंड हैंड ट्रैक्टर है, हमने रीपर पे चला दिया, क्या ट्रैक्टर का तेल बढ़ाना पड़ेगा या उसी नॉर्मल तेल पे रीपर पे चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा। देखो शुरू में जैसे कटाई अगेती कटाई चलती है जी, उसमें तो सारे ही लान गिल्ले होते हैं, कंपाइन से कटवा लो, हाथ से कटवा लो, जैसे हड़म्पा मशीन वाले होते हैं वो भी ट्रैक्टर बंद हो जामे जी, ठीक है। नहीं देखो छेड़ने की जब जरूरत है, अगर ज्यादा ही ट्रैक्टर दब रहा है, पहली बात तो रीपर के और ट्रैक्टर के चक्कर मिलने चाहिए, सबसे मेन मुद्दा जी, जो मेन बात है रीपर के और ट्रैक्टर के चक्कर मैच हो। धालीवाल साहब बिना चक्कर मिले सावट नहीं लगती, जब लो चक्कर मैच नहीं होने के ना सावट निकल, गुल्ला फिट नहीं बैठ, गुल्ला फिट नहीं बैठता, वो सावट कहेंगे इंगे उंगे चलती रहेगी, और जब चक्कर मिले भग देसी सावट भीतर भीतर, अजी चक्कर मिले तो फिर गूंजे। हाँ बिल्कुल धालीवाल साहब बिल्कुल। अच्छा धालीवाल साहब एक चीज और बताओ, हाँ जी, ट्रैक्टर में अब बात आती है तीसरे नंबर जो सवाल है आपसे, वो बात आती है ट्रैक्टर के टायरों पे, टायरों पे क्या रीपर पे चलने के लिए 16 के टायर होने जरूरी है ट्रैक्टर में या नहीं? नहीं 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 नहीं, ये टायरों पे डिपेंड नहीं करता, टायरों पे कोई, 16 के टायर हो 14 के टायर हो, टायरों पे कोई डिपेंड नहीं करता। अच्छा जी, हाँ जी,
ट्रैक्टर का सिर्फ सबसे मेन मुद्दा है कि रीपर से चक्कर मैच होने चाहिए, सबसे मेन मुद्दा यही है जी। धालीवाल साहब तो भाई गरदारा बहुत ज्यादा, धालीवाल साहब अब सरकारी झोटे से नीचे उतरेंगे, साइड बात करेंगे चल के। तो धालीवाल साहब लांगे की तो कोई कमी नहीं है खेत में बिल्कुल भी। लांगा तो इतना देखो इसमें मेरे ख्याल से रीपर बहुत मुश्किल से चलेगा जी। हाँ जी लांगा इतना ज्यादा। और एक चीज और है धालीवाल साहब, देखो मैं एक चीज और बताऊं आपको। हाँ जी, हाँ जी। मैं जहां तक एक चीज देख रहा है 960 जो चल रहा है मौसा जी वाला ट्रैक्टर सरकारी झोटा। अच्छा क्लच बहुत कम ले रहा है ट्रैक्टर भाई, ज्यादा पावरफुल ट्रैक्टर है, 855 से तो कहीं ज्यादा मतलब इसकी पावर ज्यादा है, 963 से भी ज्यादा जान मार रहा है, जान बहुत लगा रहा है ट्रैक्टर कहीं ना कहीं। अच्छा क्लच बहुत कम ले रहा है, कम ले रहा है, देखो दूसरे की लो में चल रहा है। हाँ और देखो दूसरे की लो में है, रडाक तकड़े है ट्रैक्टर पे, लोड कोई नहीं बिल्कुल किसी भी तरीके का, मिला बिल्कुल रिपर बिल्कुल। देखो सफाई देखो पीछे भाई, भाई ये तो देखो धालीवाल साहब जी, रिपर तो वही आदमी चला सकता है जो आदमी इस पे पूरा फुल तजुर्बेकार है। एक बात हो रहा है जी, हमारे रिश्तेदार है भैया जी, और फिर भी भाई ये किसी के भी जाते हैं, चलो ये नहीं है कोई रिश्तेदारी वाली बात है। हाँ जी भाई, जो काम है जो बिजनेस है वो बिजनेस के तरीके से ही होता है बिल्कुल, ठीक है। नहीं अब भाई इनकी काम की कहीं कंप्लेंट नहीं है, नहीं अच्छा काम करते हैं ये। देखो अब पहले भी बना के गए, देखो बिल्कुल कोई कह सकता है भी हाथ से कटा या रीपर से भूस बनाया, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। कहने को तो लोग देखो जी भगवान को भी बुरा कहने लगते हैं बिल्कुल, पर काम एक नंबर का है। बड़े भाइयों वीडियो कैसी लगी आप जरूर हमें कमेंट करके बताइयो। नमस्कार दोस्तों, राम राम।